जो पहली रेसिपी है उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया उसमें डाल दिया जीरा हरी मिर्ची तेज पत्ता और साथ ही में दालचीनी का टुकड़ा उसके बाद शिमला मिर्च एक बारीक कटा हुआ डाल दिया साथ ही डाल, डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची और ऊपर से डाल देंगे पाँच से छह टमाटर मिक्सर में पीसे हुए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने थोड़ा सा अदरक पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मैंने डाल दिया साथ ही नमक स्वाद के अनुसार और साथ ही इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला जिससे इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही मस्त आने वाला है तो या कोई पाव भाजी मैं नहीं बना रही हूँ इसको रख के थोड़ी देर पकने देंगे और उसके बाद आप देखोगे ऑयल रिलीज़ हो चुका है हमारी जो ग्रेवी है बिना प्याज वाली बहुत ही मस्त वाली ग्रेवी बनकर तैयार है इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ या मैश किया हुआ पनीर तो या मैंने मैश करके रखा था पनीर को तो ये टेस्टी सी पनीर की भुर्जी बन रही है पाव भाजी मसाले के साथ जिसका खा मतलब टेस्ट इतना बढ़िया है ना कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करोगे तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है आगे और देखिएगा मैं और भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या मैंने कसूरी मेथी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया अच्छे से मिला देंगे और बस आपकी पनीर की भुर्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है आप इसको प्लेन रोटी नान के साथ तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए वीडियो पसंद आया हो ये वाला तो शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या है नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया उसमें जीरा हरी मिर्ची अदरक ग्रेट की भी डाल दी है साथ ही एक पिंच हिंग डाल दी एक बड़ा चम्मच या एक से डेढ़ चम्मच बेसन इसमें डालना है आपको और अच्छे से मिक्स कर देना है जस्ट कुछ सेकेंड ही तो फटाफट से इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम दही लगभग तीन बड़े चम्मच जितनी दही डलेगी इसमें इसको मिक्स कर देंगे अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच एक छोटा चम्मच भर के इसे भी मिक्स कर दिया अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी एक चम्मच धनिया पाउडर मसालों को भी भून लेंगे इसके साथ अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी छोले मसाला एक चम्मच जितना छोला मसाला जिससे इसका फ्लेवर जो है सब्जी का बहुत ही बढ़िया आने वाला है तो ये वाली सब्ज़ी बिना है बिना प्याज लहसुन के मैं बना रही हूँ टमाटर पीसे हुए मैंने डाल दिए लगभग पाँच बड़े टमाटर या पाँच से छः टमाटर मिक्सर में पीस के आप डाल दीजिएगा क्योंकि इसी से ही ये ग्रेवी जो है बढ़िया बनने वाली है तो बस अब टमाटर डाल दिया तो इसमें नमक भी हम डाल देंगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा आप और टमाटर को पकने के लिए हम छोड़ देंगे तो ढक के धीमी आँच पर थोड़ी देर चार से पाँच मिनट ढक के रख देंगे तो ये देखिए ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है ऑयल रिलीज़ कर दिया अब इसमें हम डालेंगे वेजीज तो यहाँ पे ना मैं सात तरह की वेजीज का इस्तेमाल करूँगी तो जो वेजीज आपके पास अवेलेबल होने जैसे मैंने गोभी डाल दी लौकी डाल दी इसमें आप आलू भी डाल दिए मतलब जितनी इसमें सात सब्जियां मिक्स करना है ये ना दिवाली स्पेशल सब्जी बनने वाली है इसमें मैंने लोटस स्टेम जो रहती है ना बॉइल्ड की हुई मैंने डाली है ये बॉयल्ड है और उसके साथ शिमला मिर्च गाजर भी मैंने डाल दिए बीन्स पड़े हो तो आप बीन्स भी डाल सकते हो मटर हरे वाले वो भी डाल सकते हो तो कोई भी सात सब्जियां मिलाकर आप ये सब्जी रेडी कीजिएगा जो दिवाली पे हमारे यहाँ बनती है ना कि सात सब्जियों को मिक्स करके खाया जाता है लंच में या डिनर में दिवाली वाले दिन तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसमें मेरे पास मेथी भी थी तो हरी मेथी भी मैंने मिक्स कर दी तो थोड़ी थोड़ी करके सब सब्जियाँ इस पर हो गई है अब पानी डाल देंगे दो तीन मिनट मैंने भून लिया था इसको और पानी डाल के आप बस कुकर को करना है बंद और इसको लगाना है हमें सीटी तो ढक्कन में लगा लेती हूँ यानी गाढ़ी ही सब्ज़ी मस्त लगेगी तो ढक्कन लगा के मीडियम आँच पर दो सीटी लगा लेती हूँ गैस को कर लेंगे बंद और ठंडा होने के बाद मैं इसको खोल लेती हूँ और ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है अमेजिंग टेस्टी सी और बहुत ही प्यारी लगती है खाने में जो हमने छोला मसाला इसमें ऐड किया है ना उससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और जो हमने पहले बेसन डाला था ना उसका फ्लेवर उसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी में तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी तरीके से सब्जी को सात सब्ज़ियों को मिला के सब्ज़ी रेडी ज़रूर कीजिएगा दिवाली पे आपको बहुत मज़ा आएगा तो इसके साथ मैंने थोड़ी से ब्राउन राइस भी बना लिए थे साथ में रोटी भी है और सलाद में मूली पापड़ तो ये मेरा लंच बिल्कुल तैयार है आप भी इस तरीके से बनाइएगा आपको बेहद पसंद आएगा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा पेज ना हो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी क्या है इसके लिए ना मैंने एक कटोरी चावल और आधी कटोरी हरी मूंग की दाल ली अच्छे से धो लिया कूकर में डाल दिया उसके साथ ही ना लगभग छः गिलास जितना पानी इसमें जाएगा तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी जो कि बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है नमक डालने के टेस्ट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा जस्ट ऑयल वन फोटी स्पून जितना और कुकर को कर लेंगे बंद और इसको ना मीडियम आंच पे जस्ट एक सीटी आप लगाइएगा गैस को कर लीजिएगा बंद और ठंडा होने के बाद आप इसको खोलेंगे तो जब तक ये बन रही है तब तक हम एक सब्जी तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने तीन चम्मच ऑयल गरम किया जीरा डाल दिया उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी और दो हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी इसमें साथ ही कुछ कड़ी पत्ते चटका लेंगे अब इसमें डाल देंगे बॉयल्ड आलू तो पाँच से छः आलू बॉयल्ड हैं छिले हुए और पीसेस कटे हुए हैं ये बहुत ही फटाफट से सब्जी बन जाती है जिसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो बहुत ही जल्दी से बन जाती है बस उबले हुए आलू पड़े रहेंगे तो आप ये सब्जी रेडी कर सकते हो इसी में डाल दूँगी हरी मेथी लगभग एक कप जितनी साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है मेथी भी बहुत जल्दी पक जाती है और आलू तो ऑलरेडी बॉयल्ड ही है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी का एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी डाल दी मैंने बस बेसिक मसालों के साथ ही वाली सब्जी मैं बना रही हूँ और कोई मसाला एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी और एक मिनट अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर पीसे हुए तो दो से तीन टमाटर पीसे हुए इसमें डाल दीजिएगा जिससे सब्ज़ी का फ्लेवर जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है तो मेरी ये बहुत ही फेवरेट है जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसको ढक देंगे और दो से तीन मिनट पका लेंगे जब तक कि टमाटर पक नहीं जाता है बस फिर दो तीन मिनट में ही ये जल्दी से पक जाएगी सब्ज़ी धीमी आँच में पकाना है इसको और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है जिसे आप खिचड़ी के साथ या पुलाव के साथ या प्लेन रोटी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे और कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ये देखिए मेरी खिचड़ी भी बनकर बिल्कुल तैयार है खिचड़ी आपको थिक लगे तो आप पानी को अलग से उबाल के इसमें ऐड कर लीजिएगा मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और पानी में थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया था नमक अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा तो मेरा ये लंच जो है सिंपल सा हेल्दी सा लंच बनकर बिल्कुल तैयार है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट रेसिपी के लिए यहाँ मैंने उठाई है चना भाजी जिसका सीजन चल रहा है अभी विंटर में चना भाजी मिलती है और उसी के साथ ही ना मैंने यहाँ पे पालक भी थोड़ी सी डाल दी है तो चना भाजी तो जो थी ना वो ढाई सौ ग्राम करीब थी और यहाँ पे हरी मिर्ची अदरक थोड़ी सी मैंने डाल दी आधा इंच उसके साथ नमक भी डाल दिया इसको मिला देंगे पानी थोड़ा सा एक गिलास जितना डाल देंगे और इसको हमें उबालना है तो कुकर को कर लेना है बंद और लगभग तीन से चार सीटी भी आप लगा दीजिएगा ताकि अच्छे से सॉफ्ट मैशी सी हो जाए तो जब तक ये उबल रही है हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं तो यहाँ मैंने दो कप जवार का आटा लिया है इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी करके हल्का सा गर्म पानी करके हम इसका आटा तैयार कर लेंगे आटे में मैंने नमक नहीं डाला है ना ऑयल डालना है कुछ भी नहीं आप चाहो तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डालती हूँ रोटी में और बस आटा हल्के कुनकुने पानी में गूंद कर तैयार कर लेना बहुत ही बढ़िया लगती है ये रोटी खाने में और इस ठंड में तो मैं अक्सर ज्वार के आटे की चावल के आटे की तो बनाती ही हूँ ये देखिए आटा गूंद कर तैयार है इसको थोड़ी देर दस मिनट छोड़ देंगे और ये देखिए हमारी जो पल्ली और पालक मतलब चना भाजी और पालक जो है अच्छे से बॉयल हो चुके हैं तो इसको हमें ब्लेंड करना है आप चाहे तो उसको ठंडा करने के बाद मिक्सर में अच्छे से फाइन प्यूरी की तरह इसकी बना लीजिएगा थोड़ी हैंड ब्लेंडर से ना उतने अच्छे से पिसती नहीं है ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मिक्सर में इसको बहुत अच्छे से पीसे तो मुझे थोड़ी घाई थी तो मैंने गरम गरम ही हैंड ब्लेंडर से पीस लिया अब इसको तड़का लगाने के लिए तेल यहाँ पे एक बड़ा चम्मच गरम किया उसमें जीरा डाल दिया और ये डाल रही हूँ मैं हरी लहसुन बारीक कटी हुई हरी लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है जो कि ठंड में ही मिलती है अगर आपको नहीं मिल पा रही हो तो आप सूखी लहसुन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो साथ ही डाल देंगे एक पिंच ही और साथ ही थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा आधे चम्मच जितना धनिया पाउडर तो बस थोड़ा थोड़ा मसाला मैंने डाल दिया और ये पक जो क्या है चलो ये तड़का जो है पालक के ऊपर डाल देते हैं मतलब तो पल्ली पालक जो है ना हमारी सिंधी में एक्चुअली इसे पल्ली कहते हैं इसमें खट्टेपन के ना इमली डाली जाती है तो इमली को मैंने ना थोड़ा सोख करके रखा था गर्म पानी में पहले से और वो मैंने डाल दिया साथ ही थोड़ा सा आमचूर भी मैं डाल दे रही हूँ ये ना जो पल्ली हम तैयार करें ना ये खट्टी चटपटी सी अच्छी लगती है तो बस इसको थोड़ी देर मैंने पका लिया दो तीन मिनट और और ये हमारी पल्ली जो है चना भाजी जो है साग जो भी आप कह लीजिए बनकर बिल्कुल तैयार है तो चलिए जवार के आटे की रोटी बनाते हैं उसके लिए मैंने पॉलीथीन की शीट ली उसको ग्रीस कर लिया अब इसमें ये लोई उठा ली जवार के आटे की अब इसको ना उंगलियों की हेल्प से ही आप बढ़िया से फैला लोगे देखिए कुछ इस तरह से तो मैं ना अक्सर नाश्ते में भी जैसे बनाती हूँ तो इसी में ही जवार के आटे में ही वेजीज ऐड कर लीजिएगा प्याज़ टमाटर हरी लहसुन हरी मेथी ये डाल के नमक मिर्च डाल के मैं अक्सर बनाती हूँ पराठा जिसे हम सिंधी में ढोडा भी कहते हैं वो भी बढ़िया लगता है खाने में और सब्ज़ी के साथ इस तरह से प्लेन बनाया जाता है थोड़ा सा ऑयल में लगा ले रही हूँ अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी आप सेक के खा सकते हो इसे तो बस ज्वार के आटे की रोटी देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है काफी लोगों को दिक्कत जाती है रोटी बनाने में आप मेरे तरीके से बनाइएगा बहुत ही बढ़िया सी रोटी बना लोगे और पतली सी रोटी बना लोगे कोई मोटी बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी तो सब्जी रोटी दोनों तैयार है साथ में मैंने थोड़े से प्याज के पकौड़े भी बनाए थे भजिया साथ में सलाद है मूली का तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा पेज बनाए पेज को फॉलो ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री गणेश भाई गुरु